वेलकम टू दी चैनल। और कैसे हैं आप सब? और मैं भी खूब मजे में, खूब घूम फिर रही हूँ, खूब मजे कर रही हूँ। आप सबको ब्लॉग देख के पता चल ही गया होगा कि पिछले 6 to 7 days से मैं सिर्फ घूम रही हूँ और खूब शॉपिंग कर रही हूँ। तो आप सबको मैंने ये तो बता दिया कि मैं कहाँ कहाँ गई थी शॉपिंग करने, बट ये बताना बाकी है कि मैं क्या क्या लेके आई और क्या क्या मैंने शॉपिंग करी, किसके लिए करी। तो आज मैं आपको बस वही बताऊंगी। तो चलिए फटाफट से मेरा शॉपिंग हॉल देखते हैं कि क्या क्या सामान मैं लेके आई। गाइस, आप सब सोच रहे होंगे कि मैं कोई कपड़ों की दुकान पे बैठी हूँ, बट ऐसा नहीं है। ये वही सारी शॉपिंग है जो मैंने पिछले 3 to 4 days में की है। तो चलिए मैं आपको फटाफट से दिखाती हूँ मैं क्या लाई, और अगर मुझे याद रहे तो मैं इनकी प्राइसेस भी आपको जरूर बताऊंगी, जिन जिन चीज़ों के प्राइसेस मुझे याद है। और अब मैं जो आपको शॉपिंग बताने जा रही हूँ वो है बांद्रा लिंकिंग रोड से जो मैंने शॉपिंग की थी। जैसे पिछले बैक टू 2-3 years से तो आपको पता है पैंडमिक के चक्कर में हम कहीं नहीं जा पाए, और पिछले साल शायद मैं गई भी थी लेकिन वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ओपन रहता था मार्केट, तो उसमें ज़्यादा कलेक्शन नहीं था बिल्कुल भी। और इस बार तो बहुत ऑसम कलेक्शन था और प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा रिजनेबल थे। तो देखिए मैंने क्या क्या लिया है। ये देखिए, एक तो ये वन पीस है जो मैंने अपनी बड़ी वाली डॉटर के लिए लिया है। इसके साथ एक बेल्ट भी था, ये देखिए ऐसे फिटिंग करने के लिए, बहुत ही सुंदर है, उसका पहना मुझे बहुत सुंदर लगा। और ये शायद कुछ 500 rupees का था। और एक ये वन पीस है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइसेस में मिला, 350 में ही। ये तो बहुत ज़्यादा पहना हुआ, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था उसके ऊपर। एक ये सिंपल सा टॉप है, ये बहुत ही बेसिक सा सिंपल सी टी शर्ट जो हम रेगुलर में पहनते हैं, ये मुझे कुछ 200 rupees में वहाँ पर मिली थी, बट इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा ऑसम है, बहुत अच्छा है। कि ये देखिए, ये सिमिलर जो ये ब्लैक वन पीस था मेरी बड़ी वाली बेटी का, बस वैसा ही सेम मैं अपनी छोटी डॉटर के लिए लेके आई हूँ। ये देखिए वाइट कलर में है, इसके साथ भी एक अटैच जैसे बेल्ट है, ये डी अटैच भी हो जाता है। और ये भी बहुत रीजनेबल था, ये मैं कुछ 350 अराउंड 400 में मुझे मिला। और सेम एक मैं लेके आई हूँ, ये है मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी है उनके लिए है, चीकू के लिए। तो ये भी देखिए सेम है, बहुत सिमिलर है, और दोनों जब साथ में पहनेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा उसको। एक्चुअली सेम मेरी छोटी वाली बेटी के जैसे कपड़े उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं सेम ही लेके आई हूँ दोनों के लिए। और देखिए ये कुछ शॉर्ट पैंट्स जो मैं मेरी छोटी बेटी आद्या के लिए लेके आई हूँ, ये मुझे बहुत ही रिजनेबल मिले। ये एक 250 का है और एक 300 का है। और अगर आप ये कोई भी जनरल बड़ी दुकान से लेंगे तो ये आपको 500 या 550 से नीचे नहीं मिलते, आपको पता ही है हर जगह पे यही रेट होती है, बट वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ही। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं तो हमेशा बेसिकली मुंबई से ही शॉपिंग करती हूँ, सूरत से कम कोशिश करती हूँ वहाँ पे, क्योंकि मुझे मेरी पसंद के रीजनेबल कपड़े कम मिलते हैं। ये देखिए, ये सारे टॉप मैंने 150 में खरीदे हैं, 120-150 में। ये देखिए सारे आध्या के टॉप हैं मेरी छोटी वाली डॉटर के, फुल ईयर में जितने भी टॉप वगैरह चाहिए सारे मैंने लगभग ले लिए हैं। दिवाली के आसपास जब भी उनको लहंगे वहंगे चाहिए होते तो उन्होंने या तो स्टिच करवा देती हूँ कहीं से भी, जहाँ से मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं ले आती हूँ। सारे टॉप 150 या 120 के ही हैं। ये एक सी फ्रॉक जैसी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, इसका फैब्रिक भी बहुत सॉफ्ट है, पर ये शायद 200 या 220 की है। और ये फिर से एक ये मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही कूल फैब्रिक है इसका, जैसे ये वो गोजरी फैब्रिक की है, और ये भी 150 की है, और ये अगेन 150 या 200 की है, भी थोड़े बहुत प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं। और ये मेरा फेवरेट पीस है जो मैं उस दिन लेके आई थी, ये 350 का है। ये देखिए, ये मुझे चीकू की साइज़ का नहीं मिला, वरना मैं चीकू के लिए भी लेती। ये देखिए बहुत सुंदर है, इसके नीचे ऐसा एक ये प्लाजो है और एक ये ऐसा टॉप है फ्रिल वाला, ये बहुत ज़्यादा, और ये भी 450 का है। और ये कुछ टॉप्स जो मैं अपने लिए लेके आई थी, ये मुझे 200 में आए थे, 200 के। ये देखिए दो टॉप थे, मुझे ज़्यादातर लूज टॉप्स और ऐसे ही अच्छे लगते हैं, इनका फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा पीछे वो भी। और ये देखिए एक ये कुर्ती है जो मैंने और मेरी सिस्टर ने सेम ली थी, ये शायद 450 या 500 की है, बट इसका भी फैब्रिक बहुत ज़्यादा ऑसम है। और अब मैं आप और देखिए, ये कुछ पर्सेज एंड बैग्स जो मैं लेके आई, एक तो मैं इस तरीके का हैंड बैग छोटा सा लेके आई थी ट्रांसपेरेंट वाला, ये बहुत ही रिजनेबल था, 270 का था,
उसने 300 कहे थे लेकिन हमने 270 दिए थे उसको। और उसके अंदर एक ही ग्लिटर पाउच है जिसके भी स्लिंग, उसको भी आप स्लिंग बना सकते हो। तो साथ में ये बेल्ट दिया हुआ है और इस तरीके के, जो एक मेरी सिस्टर का है और एक मेरी मम्मी का है, एक बाकी तो सेम है। और एक ही छोटू सा स्लिंग मैं अपनी बेटी के लिए लाई हूँ, बड़ी वाली बेटी के लिए। देखिए सारी ड्रेसेस पे चल जाएगा, बहुत ही सुंदर सा और छोटा सा है, एकदम क्यूट सा। अभी मैं भी यूज़ करूँगी। छोटू सी एक स्लिंग है आध्या की, जो कि इसके साथ भी एक स्लिंग के लिए चैन दी हुई है। स्पेस थोड़ा कम है बट बच्चे यहाँ वहाँ जाएंगे तो इसको आप बैकपैक भी बना सकते हैं। एक रुक दिया हुआ है, ये भी बहुत सुंदर है और ये भी शायद 200 की थी। और ये वाली जो वैष्णवी की है ये 150 की थी। और ये दोनों पर्सेस थे 250 के। तो अब मैंने आपको बैंड्रा लिंकिंग रोड हॉल शॉपिंग हॉल तो मेरा कंप्लीट हो गया है। हाँ हाँ सॉरी। और ये शूज, टू पेयर ऑफ शूज हमें ये 300 के आए हैं और ये वाले 400 के। एक ये स्ट्रॉल है जो मुझे वहाँ पे सिर्फ 100 रुपीज में मिला। तो बहुत ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल स्ट्रॉल है, इस तरीके से रैप करने वाला। मुझे जैसे कि दुपट्टे और स्टॉल्स की बहुत ज़्यादा हैबिट है। ये चीज़ें दिखाऊंगी, ये मैंने कुछ ऐसे ही घूमते घूमते कुछ लोकल मार्केट से, कुछ मॉल वगैरह से खरीदे हुए हैं। बट फ्रेंड्स, जब भी आप इस टाइप के कोई भी मार्केट जाएं, लिंकिंग रोड, हिल रोड या कोई भी किसी भी जगह के स्ट्रीट मार्केट जाएं, तो आपको बार्गेन करना आना चाहिए। अगर आप बार्गेन नहीं करेंगे तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं, आपको शॉप से भी ज़्यादा दाम में सामान मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी सारी शॉपिंग धीरे धीरे आपको इस तरीके से अगर रेट के साथ बताती जाऊंगी तो आप हो जाएंगे तो बोर। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी सारी चीज़ें आपको बस फटाफट से दिखा देती हूँ। ये सारी चीज़ें कुछ मुंबई के मार्केट से, कुछ मैं भिवंडी गई थी कल, वहाँ से ले ली। और सारी चीज़ें मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिली हुई हैं, सारी अंडर 200 हैं जो मैंने सारी चीज़ें ली हैं। तभी फटाफट से ये शॉपिंग देख लीजिए और आप भी फटाफट से, मेरी तो शॉपिंग हो गई है और अब आप भी जाइए फटाफट से, खूब सारी शॉपिंग कीजिए और खूब अच्छे से अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपने समर्स को एंजॉय कीजिए। ये मेरी आदत है, मैं पूरे साल की जो भी शॉपिंग होती है वो मुंबई जब भी आती हूँ या जब भी मैं अपने ससुराल जाती हूँ यूपी, तब वहाँ से कर लेती हूँ। तो मुझे सूरत में ज़्यादा फिर यहाँ वहाँ घूमना नहीं पड़ता है और यहाँ से मुझे अपनी पसंद की सारी चीज़ें मिल भी जाती हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना सारा सामान क्यों लेके आई, बस इसीलिए मैं इतना सारा सामान लेके आई हूँ। और मुझे यहाँ का कलेक्शन अच्छा भी लगता है, खैर, क्योंकि मैंने हमेशा से यहीं से शॉपिंग की है। और मैं सूरत से मुंबई आई और मुंबई से भी मैं अब कहीं जाने वाली हूँ, तो उन सारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए भी अब आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और जल्दी आपको बहुत अच्छी जगह के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो मैं साथ में वहाँ जाने की भी प्रिपरेशंस कर रही हूँ, इसीलिए मुझे शॉपिंग फिर करनी तो थी, तो मैंने जल्दी कर ली कि जब मैं वहाँ जाऊँ तब भी मुझे कुछ अच्छे कलेक्शन मिल जाएँ बच्चों के लिए। और अब मैं आपको दिखाऊंगी मेरी एक छोटी सी व्लॉगर, उसे व्लॉगिंग करना बहुत पसंद है, हमारी एक छोटी सी पर्सनल व्लॉगर है चीकू, उसका सामान। वो इस व्लॉग में अपना सामान देख के बहुत खुश हो जाएगी। तो चलिए दिखाती हूँ चीकू, दिस इज फॉर यू। देखिए वन पीस छोटा सा, उसको एक्चुअली आद्या के जैसे सेम कपड़े पहनने का बहुत शौक है, तो मैं सिमिलर आद्या के लाई हूँ, वैसे मैं चीकू के लिए लेके आई हूँ। देखिए ट्रैक सूट और एक ये वन पीस। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये छोटा सा शॉपिंग हॉल और मेरी ये सारी शॉपिंग आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी इतनी सारी शॉपिंग में से आपको सबसे बेस्ट चीज़ कौन सी लगी। और अगर आपको आगे भी मेरी शॉपिंग हॉल्स और मुंबई का पूरा मार्केट और मेरी मम्मी का पूरा घर का टूर आपको देखना है तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा। और अब कल मिलूंगी एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।